नमस्कार मित्रों, ये लेसन है द सीक्रेट सक्सेस एंड पावर। इस लेसन का यहाँ तक भाग मैंने आपको समझा दिया था, यहाँ से मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। Boisterous and uncontrolled laughter, slander and idle talk, boisterous होता है एक कलहकारी, या जिसे हम कह सकते हैं कि गर्जना करना, जोर से बोलने वाला, and or uncontrolled laughter, और जो ज़्यादा हंसने वाला होता है, यानी जिसे अपनी हंसी पर कोई संयम नहीं होता, जो उसे नहीं रोक पाता, ऐसा व्यक्ति स्लेंडर एंड आइडल टॉक। स्लेंडर जो एक बेकार का वाद विवाद करने वाला होता है, एंड आइडल टॉक और निठल्ली या बेकार की बातें करने वाला, एंड जोकिंग मेरली टू राइज ए लाफ, एंड और जोकिंग जो एक मनोरंजन करने वाला होता है, बेकार की बातों पर हंसने वाला होता है, जोकिंग मेरली टू राइज ए लाफ, और वो इस प्रकार से अपनी हंसी को बढ़ाता चला जाता है। उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बहुत ज़ोर से बोलने वाला, ज़ोर ज़ोर से हंसने वाला, बेकार की बकवास करने वाला व्यक्ति, ये सब मुख्य रूप से हंसी का ही एक उदाहरण है। ऑल दीज थिंग्स, ये सब चीज़ें, मस्ट बी पुट, एक तरफ रखो, ऑन वन साइड, इन सब चीज़ों को, ये सब बेकार की चीज़ें, ने तरफ रखो। एज सो मच वेस्ट ऑफ वैल्यूबल एनर्जी, एज सो मच वेस्ट, ये बर्बाद करती हैं, ऑफ वैल्यूबल एनर्जी, जो बहुमूल्य ऊर्जा होती है हमारे अंदर, उसे ये यूं ही बर्बाद करती हैं, यानी खर्च कर देती हैं। यानी जो बेकार की बातें करने वाला होता है, ज़ोर ज़ोर से बोलने वाला, हंसने वाला होता है, ये सब बेकार होते हैं, बेकार की चीज़ें हैं। ऐसे व्यक्ति को इन सब चीज़ों को एक तरफ रखना चाहिए, ये सब हमारी एनर्जी यानी ऊर्जा का ह्रास करने वाली होती है। एबव ऑल, सबसे पहले, बी ऑफ सिंगल एम, एकमात्र उद्देश्य बनाओ। Have a linkmate and useful purpose. Have means रखो, a linkmate न्याय संगत, and useful और उपयोगी, purpose होता उद्देश्य, एक न्याय संगत अच्छा और एक उपयोगी अपना उद्देश्य रखो। And devote yourself unreservedly to it, and or devote, स्वामी भक्त बन जाओ, yourself, स्वयं को उसमें स्वामी भक्त बना दो, unreservedly, सादगी के साथ, to it, उसके लिए, यानी आपका जो उद्देश्य होना चाहिए वो एकमात्र और एक उद्देश्य होना चाहिए। Let nothing draw you aside. Remember that. Let nothing. यहाँ पर हम कह सकते हैं कि कोई भी चीज, let nothing draw you aside. ये याद रखो कि कोई भी चीज आपको एक तरफ नहीं खींच सकती। The double-minded man
जो दोहरी मानसिकता वाला व्यक्ति होता है इज अनस्टेबल इन ऑल हिज वे, प्रत्येक तरीके से वो अनस्टेबल ही रहता है, असंयमित रहता है, यानी जिसके दो उद्देश्य होते हैं। आगे राइटर कहना चाहता है, बी एगर टू लर्न, सीखने में उत्सुक हो जाओ, उत्सुकता दिखाओ, बट लेकिन स्लो टू बैग, मांगने में धीमे हो जाओ। नहीं, सीखने के लिए उत्सुक बने रहो, मांगने के लिए धीमे हो जाओ। हैव ए थो अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर वर्क, यद्यपि आपकी समझ में जो आपका कार्य है उसकी आपको जानकारी होनी चाहिए। एंड लेट इट बी योर ओन, और वो आपका अपना होना चाहिए। एंड एज यू प्रोसेस्ड एंड और एज जैसे कि यू प्रोसेस्ड आगे बढ़ाओ, एवर फॉलोइंग द इनवर्ड गाइड, उन सभी चीज़ों को अपनी अंदरूनी जो दिशा निर्देश है उसे याद करके उन सब चीज़ों को आगे बढ़ाओ, बढ़ाते रहो का कहना मानो। द इनफेलिबल वॉइस, जो एक अचूक आवाज़ होती है मन की, उसे सुनो। यू विल पास ऑन फ्रॉम विक्ट्री टू विक्ट्री, तो उसके द्वारा आपको एक के बाद एक विजय हासिल होती जाएगी, यानी प्राप्त करते चले जाओगे। एंड और विल राइज स्टेप बाय स्टेप टू हायर, और आप दिन प्रतिदिन ऊंचाई पर जाओगे। रेस्टिंग प्लेस, जहाँ पर जो आराम करने का स्थान है वहाँ पर जाओगे। एंड योर एवर बॉर्डिंग आउटलुक, आपका विसरित होता हुआ नज़रिया, विल ग्रेजुअली रिवेल, लगभग हर रोज़ वो बदलेगा। टू यू, तुम्हारे लिए, द एसेंशियल ब्यूटी, जो आवश्यक सुंदरता है, एंड पर्पज, जो उद्देश्य ऑफ लाइफ, जीवन, तो उसमें आप रोज़ाना देखोगे कि आपके अंदर, आपके उस देखने के नज़रिए में बदलाव हुआ। सेल्फ प्यूरिफाइड, स्वयं में बहुत ही शुद्ध हो जाओ। ऐसा जो व्यक्ति होता है, हेल्थ विल बी योर्स, उसका स्वास्थ्य अपना होता है। फेथ प्रोटेस्ट, जो विश्वास है उसकी रक्षा करता है। सक्सेस, और जो कामयाबी होती है, सफलता होती है, विल बी योर्स, आपकी होती हैं। और आप सेल्फ गवर्न, जो स्वयं में अनुशासित व्यक्ति होता है, पावर विल बी योर्स, उसकी शक्ति है उसकी अपनी होती है, यानी जो स्वयं में संयमित व्यक्ति होता है अपने आप को इन सभी चीज़ों से दूर हटा लेता है, मन को शुद्ध रखता है। एंड ऑल दैट यू डू, एंड और ऑल दैट यू डू, जो तुम करते हो, विल प्रॉस्पर, उसमें आपको समृद्धि मिलेगी। फॉर कैसिंग टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, फॉर कैसिंग ये होता है रोकना, टू बी ए डिसजॉइंटेड यूनिट, जो एक असंबद्ध इकाई होती है जिसका आपस में कोई संबंध नहीं होता, तो शक्ति के द्वारा इन सब चीज़ों को रोका जाता है। सेल्फ एंड सेल्फ, स्वयं के गुलाम मत हो। यू विल बी इन हारमोनी,
विद द ग्रेट लॉ, जो प्रकृति के महान नियम हैं उसमें सामंजस्य बैठा हो, हारमोनी होता है सामंजस्य, वर्किंग नो लॉन्गर अगेंस्ट, ना ही उसके खिलाफ कार्य करो, बट विद परंतु इसके साथ द यूनिवर्सल लाइफ, जो सांसारिक जीवन है उसे व्यतीत करो, तो क्या होगा? द इटर्नल गॉड, जो अनंत अच्छाई है, बाप के पास होगी। एंड व्हाट हेल्थ यू गेन, और जो कुछ स्वास्थ्य आपका होगा या जो उसे आप कमाओगे, इट विल रिमेन विद यू, वो आपके साथ बना रहेगा, आपके पास होगा। व्हाट सक्सेस यू अचीव, जो कामयाबी आप हासिल करना चाहते हो, विल बी बाय नॉट ऑल ह्यूमन कंपटीशन, ये सभी गणनाओं से परे होगी। कंपटीशन मतलब गणना। एंड विल नेवर पास अवे, और ये कभी नहीं जाएगी। एंड और विल नेवर पास अवे, एंड व्हाट इन्फ्लुएंस, और जो प्रभाव होगा, एंड पावर, जो शक्ति होगी, वाइल्ड विल कंटिन्यू टू इंक्रीज, उनमें लगातार आप वृद्धि करते जाओगे, तो आउट द एजेस, युगो युगों तक, युगो युगों तक उसमें वृद्धि करते जाओगे। और इट इसके लिए विल बी ए पार्ट ऑफ दैट, एक भाग माना जाएगा, और इट विल बी ए पार्ट ऑफ दैट अनचेंजेबल प्रिंसिपल, जो नए बदलने वाले सिद्धांत हैं, विच सपोर्ट्स द यूनिवर्स, जिसे जो हमारी प्रकृति है, ब्रह्मांड है, उसे भी सहायता करता है, यानी समर्थन करता है। तो ऐसे नियमों को हमें मानना चाहिए, और ये युगों युगों से चलते आ रहे हैं नियम, ये कभी बदलने वाले नहीं। लास्ट का है मित्रों, दिस ये है दैन तब इज द सीक्रेट ऑफ हेल्थ, यही स्वास्थ्य का रहस्य है। क्या है? ए प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय, एंड और ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और एक सही में दिशा निर्देशित किया हुआ दिमाग या मस्तिष्क। दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, यही कामयाबी या सफलता का रहस्य है। क्या है? यानी हम बता रहे हैं स्वास्थ्य का जो रहस्य है, ए प्योर हार्ट, एक शुद्ध हृदय, एंड और ए वेल ऑर्डर्ड माइंड, और एक संयमित मस्तिष्क। और अगला क्या है? दिस इज द सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कामयाबी का जो रहस्य है वो क्या है? एन अनफ्लैटरिंग फेथ, अटल रहने वाला विश्वास, एंड और ए वाइजली डायरेक्टेड पर्पस, और एक बुद्धिमानी से किया हुआ जो दिशा निर्देशित किया हुआ जो उद्देश्य है, उसी को हम सक्सेस कह सकते हैं, कामयाबी कह सकते हैं। एंड टू रेन इन, एंड और टू रेन, रेन का मतलब होता है नियंत्रण करना, जैसे किसी घोड़े की लगाम पर हम नियंत्रण करते हैं, ये वही चीज़ें हैं। विद अनफ्लैटरिंग विल, अडिग रहने वाली जो इच्छा शक्ति है, उसे बना करके हम रोक सकते हैं। द डार्क स्टेट ऑफ डिज़ायर, जो बहुत ही ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार भागने वाला जो घोड़ा होता है, यानी जो मन है, वो तमाम दिशाओं में भागता रहता है, तो उसे हम इन सभी के द्वारा हम रोक सकते हैं। दिस इज द सीक्रेट ऑफ पावर, इसमें से द सीक्रेट रहस्य ऑफ पावर, शक्ति का, यही शक्ति का रहस्य है। यानी मन को शुद्ध रखो, मस्तिष्क को अपने संयमित रखो, ये सब चीज़ें एक जो शक्ति का
सफलता का जो रहस्य है वो यही है। धन्यवाद मित्रों, हमने आपको ये लेसन समझाया। हम समझते हैं आप इसका बार बार अध्ययन करेंगे, बार बार वीडियो के माध्यम से इसे देखेंगे और अपने पेपर में इसका सही से जो इसके क्वेश्चन वगैरह हैं, जो प्रश्न हैं, उसका आप जवाब देंगे। धन्यवाद।